अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में योग शिविर का आयोजन किया गया। जनपद मुख्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित योग शिविर में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और जिलाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस योग शिविर में हर तरह के योगासनों को कराकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि योग हमारे देश की सबसे पुरानी पद्धति है। योग के माध्यम से आदमी अपने आप को निरोग रख सकता है। उन्होंने कहा कि आज योग का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होते हुए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे प्रतिदिन योग करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आज पूरे जिले में सभी महत्वपूर्ण स्थलों के साथ हर गांव में बनाए गए अमृत सरोवरों पर भी योग शिविर का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आज पूरा विश्व इस योग को, जो हमारे भारत की एक ऋषि परंपरा रही है, गुरुकुल परंपरा रही है, आश्रम की पद्धति रही है, और लोग इस योग से किस तरह से निरोग रहते थे और भारत की कितनी इम्यूनिटी पावर है इस योग के विधा से, ये कोविड की वैश्विक चुनौती में हमने देखा कि जो विकसित राष्ट्र थे, अमेरिका जैसे, यूरोपियन यूनियन जैसे, चाइना जैसे, उनके यहाँ जितनी बड़ी कैजुअल्टी हुई, हमारे यहाँ लोगों ने अपने जीवन की न केवल रक्षा किया बल्कि स्वस्थ रहे, उसकी देन यही है कि योगा। और योगा एक ऐसी प्रमाणिक पद्धति है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पे आज न केवल भारत, पूरे यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में निर्धारित किया है। आज उसी श्रृंखला में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में कर रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है। मुख्यमंत्री जी लखनऊ में हैं, आज सिद्धार्थनगर में इस स्टेडियम में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे चेयरमैन गोविंद माधव जी, कन्हैया पासवान जी, जिला अधिकारी संजीव रंजन जी, मुख्य विकास अधिकारी, सारे बड़ी संख्या में पूरा स्टेडियम में लोग योग कर रहे हैं। तो ये इसी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री का आह्वान था कि योग करें, निरोग रहें, और अब उनका एक उनसे लोगों ने उन्होंने आह्वान किया है कि हर घर घर हर आंगन आंगन, मतलब कि जीवन में बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी इस योग को अंगीकार करें और इनके आसनों से जीवन में डायबिटिक हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, इससे बिना दवा के स्वस्थ रहें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।